मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और अभी बजने जा रहा है 11। और मैं सोची मेरी ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज का मैं क्या बना रही हूँ खाने में और लंच में, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उड़ीसा स्पेशल कुछ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले सोचा आप लोगों के साथ 2 मिनट में बातें कर लूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा धूप खिला है बाहर। बहुत दिनों के बाद हो गए, कुछ दिन से ठीक से धूप नहीं आ रहे थे, तो बहुत दिनों के बाद अच्छे से धूप खिला है। और एक ख़ास चीज़ बताऊं कि धूप ना पूरा बेडरूम में, पूरा बेड पे पड़ता है हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है पूरा धूप पे सोना, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट बातें करना चाहती थी। उसके बाद जो लंच बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी लंच रूटीन, लेकिन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसके लिए उड़ीसा स्पेशल है हमारा पखाड़ा। पखाड़ा कौन सा इज़ वेरी फेमस इन उड़ीसा, जो लोग उड़ीसा से हैं उनको पता होगा। और उड़ीसा के पखाड़ों के साथ, पखाड़ा और उसे बोलते हैं आप लोग के जाने के लिए मैं बता दूँ, वाटर राइस, पानी में भिगोया हुआ भात। तो वो जो चावल है उसके साथ कुछ ऑथेंटिक डिशेस होता है, डिशेस तो नहीं, कुछ खाने के लिए तरीका होता है उसका, वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। तो क्या क्या बनाती हूँ विद इन 30 मिनट हम रेडी करेंगे, क्या क्या कुछ कुछ बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं पखाड़ा कौन सा। तो चलिए हम प्रिपरेशन करते हैं उड़ीसा स्टाइल पखाड़ा कौन सा। तो उसके लिए मैं पहले आलू चोखा बनाऊंगी। तो यहाँ मैं 4 आलू ली हूँ। 4 आलू को अच्छे से काट के धो के प्रेशर कुकर में डाल दूँगी बॉयल होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सारा कुछ 30 मिनट में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एक के बाद एक मैं उसके हिसाब से करूँगी, टाइम सेव करके जल्दी जल्दी। तो इसीलिए देखिए, पहले मेरा आलू चढ़ चुका है। इधर मैं दूसरा कुछ बनाने के लिए डाल दी हूँ, कढ़ाई डाल दी हूँ। मैं टमाटर को इसमें तलूँगी। टमाटर, तला हुआ टमाटर, ये भी बहुत ही टेस्टी यमी लगता है पखाड़ों के साथ। तो मैं यहाँ ली हूँ 3 टमाटर। उसे अच्छे से धो के मैं उसे फ्राई कर लूँगी। उसके साथ मैं बना रही हूँ एक चिप्स, जो है कच्चे केले का चिप्स। ये भी बहुत अच्छा लगता है पखाड़ों के साथ, कुछ चिप्स बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बता रही हूँ, वरना नॉनवेज में तो आप फिश फ्राई भी खा सकते हैं। तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए मैं वेजिटेरियन सब कुछ बना रही हूँ। और उसके साथ ही साथ देखिए, मेरा 3 डिश लगभग एक साथ तैयार हो रहा है। जैसे कि आलू चोखा, आलू के लिए आलू चढ़ चुका है, टमाटर फ्राई हो रहा है, और मैं केला भी काट रही हूँ, बनाना भी काट रही हूँ। अभी देखिए, मेरा टमाटर लगभग हो चुका है और जो बनाना है ये काट चुकी हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच बेसन, कुछ सूखी मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी से कलर बहुत ही अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारा कुछ डाल के अच्छे से उसे मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ ही ये एक पेस्ट रेडी कर लूँगी तलने के लिए। तो साथ ही साथ मेरा टमाटर अभी हो चुका है। उसके बाद मैं थोड़ा और तेल डाल के ये सारा जो चिप्स वगैरह है ये मैं तल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। मैं चेक कर रही थी, उसके साथ ही देखिए मेरा प्रेशर का सीटी लग चुका है, मतलब आलू भी लगभग रेडी हो चुका है। फिर मुझे याद आया, मुझे तो बॉडी छुरा भी बनाना है। इसके लिए बॉडी को भी, उड़द दाल की जो बॉडी होता है उसको भी मुझे फ्राई करना है, तो वो मैं फ्राई कर ली। उसके बाद बॉडी छुरा के लिए जो ऑथेंटिक प्रिपरेशन है वो भी सारा कुछ मैं करूँगी। ये बॉडी ना, ये प्रिपरेशन करने में बहुत ही टाइम लगता है, ये सबसे नहीं होता है, मैं तो नहीं बना पाती। साल भर के लिए मम्मी मुझे दे देती है ये बॉडी, और मेरी मम्मी की बॉडी मतलब बहुत ही टेस्टी होती है। अभी बॉडी हो जाने के बाद अभी इसमें मैं डालूंगी जो चिप्स है। चिप्स बनाने के लिए केला को लिया था, फिर मुझे याद आया कि मैं तो डाला ही नहीं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो फिर मैं डाल दी। बॉडी छुरा बनाने के लिए अभी बड़ी को मैं अच्छे से कूट लूंगी, ग्राइंड नहीं करती मैं, क्योंकि ग्राइंड करने से एक फ़ाइन पेस्ट हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बनाना था, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा दाना दाना हो तो उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं कूट लेती हूँ बॉडी को, ददरा ददरा कूट लेती हूँ।
इसके साथ ही साथ मैं तल रही हूँ, चिप्स भी तल रही हूँ। इसके साथ मेरा आलू चोखा के लिए आलू भी रेडी हो चुका था, तो अभी मैं और थोड़ा बॉडी को कूट रही हूँ। ये सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, हम माँ बेटा ऐसे ही खाते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है, ऐसे बॉडी चूरा मुझे पसंद नहीं है। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ ये ऑथेंटिक बॉडी चूरा। जो लोग उड़ीसा से हैं उन्हें पता होगा इसका टेस्ट, पखड़ो भातो बॉडी चूरा, ये सब। बॉडी चूरा के लिए अभी मैं एक टुकड़ा अदरक का और दो मिर्च मैं लेके कूट रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च की टेस्ट ही बहुत ही अच्छी आती है, तो ये कूटने के बाद मैं बॉडी चूरा में डाल दूँगी। देखिए मैंने कितना थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि उनके लिए ही सिर्फ बनाना था। अभी मेरा लगभग सारा चिप्स भी ख़त्म हो चुका, तो आलू थोड़ा सा ठंडा हो चुका, तो अभी आलू से मैं छिलका निकाल रही थी। और चोखा के लिए मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज चोखा में भी जाएगा और बॉडी चूरा में भी जाएगा, हर एक डिश में प्याज जाएगा, प्याज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्याज को मैं अच्छे से काट के बॉडी चूरा में डाल दूँगी। बॉडी चूरा मेरा लगभग रेडी हो चुका है, तो आलू चोखा बनाने के लिए आलू को अच्छे से तोड़ दूँगी, ऐसे मैश कर लूँगी। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लूँगी और ये छोटी सी जगह में भी तेल डाल रही हूँ। ये प्लेट मैं रेडी कर रही हूँ, जो फ्राई बनाया था टमाटर का फ्राई, उसके साथ थोड़ा सा प्याज। और ये तड़का मैं डालूँगी आलू चोखा में, तो थोड़ा सा सरसों और सूखी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। आलू चोखा में प्याज कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है, उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और साथ ही साथ ये देखिए मैं प्लेट भी रेडी कर रही हूँ। उसके बाद डालूँगी सारे सूखे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब कुछ डालने के बाद मैं डाल दूँगी आलू को और अच्छे से मैश करके मैं थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल डाल दूँगी। सरसों का तेल का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। और रेडी हो चुका है मेरा आलू चोखा। लास्ट बॉडी चूरा में मैंने थोड़ा सा डाला नमक और ये जो टमाटर फ्राई उसमें भी थोड़ा सा मिक्सचर हरी मिर्च, लहसुन और नमक डाल के रेडी हो चुका है मेरा। अभी मैं फाइनली डालूँगी जो वाटर राइस, वो मैंने बना के रखा था, वो डाल दूँगी। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी और रेडी हो जाएगा मेरा वाटर राइस। उसके बाद थोड़ा सा धनिया का पत्ती हर एक चीज़ में डाल दूँगी, तो अच्छा फ्लेवर भी आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो रेडी हो चुका है हमारा उड़ीसा फेमस पखाड़ा कौनसा। तो आ जाइए आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगता है। आज का मेरा लंच रूटीन यही था, और क्या कुछ मैंने बनाया आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया, तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।